जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में सुबह अपने घर जा रहे बाइक सवार को एक मोरंग सप्लाई करने वाले डंपर ने रौंद दिया, जिसमें 6 माह के मासूम सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलीगंज CSC लाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार अलीगंज के थाना नया गाँव के नगला विशुन निवासी विजय सिंह पुत्र रामचरण, जो अपनी सलहस प्रीति पत्नी उपेंद्र व 6 वर्षीय मासूम दिव्यांश, जो अपने रिश्तेदारी में नगला विशुन आई थी, रविवार को सुबह विजय सिंह अपनी बाइक से उक्त सभी को घर वापस छोड़ने उसके गांव बहावल निस्तनी थाना कंपिल छोड़ने जा रहा था। तभी कायमगंज रोड अलीगंज अमरौली बाईपास मार्ग पर तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार घायल हो गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती करवाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोरंग सप्लाई करने वाले डंपर को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद से ही डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों को बेहतर के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। सड़क दुर्घटना होने के बाद अलीगंज थाना पुलिस ने सूचना घायलों के परिजनों को दी। चीखते चिल्लाते घायल परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पहुंचे। घायलों की हालत देखते हुए परिजन बदहवास हो गए हैं। घायल विजय सिंह के भाई शिव कुमार ने बताया कि उसकी सलहस पिछले कुछ दिनों से घर आई थी, जिसको वापस घर छोड़ने भाई विजय सिंह बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। अलीगंज बाईपास पर मोरंग सप्लाई करने वाले डंपर में टक्कर दी है, जिसकी वजह से बाइक सवार विजय सिंह, सलहस पत्नी और 6 माह दिव्यांशु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। नाम शिव कुमार। ये अलीगंज अस्पताल में घायल पड़े ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे थे, कहां घटना हुई? ये नगला विशुन से जा रहे थे कंपिल तक। जी कौन कौन लोग घायल हुए? ये हमारे भाई साहब है विजय सिंह, हमारी सराज थी, एक छोटा बच्चा। किस किस में एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुए लगभग 20 मिनट।